आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वाद करते हैं पहली खबर से। तो UPI पेमेंट पर देना होगा चार्ज, फोन पे और गूगल पे और केंद्र सरकार के बीच है टकराव की हालात। UPI पेमेंट पर कोई चार्ज जो है नहीं वसूला जाता है। इससे पहले भी जो है UPI पेमेंट पर चार्ज वसूलने की खबरें चर्चा में रही थी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि एक बार फिर से जो है UPI पेमेंट पर चार्ज वसूलने का मुद्दा जो है उठा। दरअसल पेमेंट ऐप जो है पेटीएम पर लगी पाबंदी के वजह से जो है फ़ोनपे और गूगल पे को जो है फ़ायदा हुआ। ऐसे में भारत के UPI मार्केट में दोनों UPI पेमेंट ऐप का कब्जा हो रहा है। ऐसे में UPI लेन देन पर चार्ज वसूलने की बहस जो है दोबारा शुरू हो गई। हालांकि सरकार ने UPI पर चार्ज लेने से इनकार जो है वो किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिनटेक कंपनियां UPI में रेवेन्यू की कमी से, यहाँ पर जो रेवेन्यू की कमी है उसकी चिंता उनको सता रही है, जिसका उनका कहना है कि लंबे वक्त तक जो है मार्केट में बने रहने के लिए जो है उनको यहाँ पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR के साथ क्रेडिट कार्ड जैसे सिस्टम की ज़रूरत होगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जीरो MDR बिजनेस मॉडल से नुकसान हो रहा है। इसे लेकर जो है सरकार के सामने फिनटेक कंपनियों ने मुद्दा भी उठाया है। साथ ही कुछ फिनटेक कंपनियों जो है NPCI के साथ प्रीपेड पेमेंट डिवाइस होने वाले UPI पेमेंट पर चार्ज लगाने को लेकर चर्चा की। हालांकि इस मामले में कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सका है। वही सरकार पहले भी जो है UPI पेमेंट पर चार्ज लगाने के प्रस्ताव को जो है खारिज कर चुकी है। साथ ही NPCI ने भी इस मामले में कोई बयान जो है वो नहीं दिया है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल डीजल खरीदने की लिमिट सरकार ने कर दी है तय, अब टंकी पुल कराना भूल जाइए। अगर आप बाइक या फिर कार चला रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। दरअसल यह कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बाइक या कार की टंकी फुल हो यहाँ पर जाएगी। दरअसल त्रिपुरा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में जो है बाइक और कार चलाने वालों के लिए पेट्रोल और डीजल की लिमिट जो है तय कर दी है। यानी अब आपको त्रिपुरा में जो है तय लिमिट के हिसाब से ही पेट्रोल डीजल मिलेगा। राज्य सरकार ने ये लिमिट जो है वो लागू कर दी है। कब तक के लिए लिमिट लागू रहेगी इस बारे में कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया। फिलहाल 1 तारीख से लागू है। राज्य सरकार के मुताबिक दोपहिया वाहनों को रोजाना सिर्फ 200 रुपये का तेल मिलेगा, वही 4 पहिया वाहनों को रोजाना 500 रुपये का तेल मिलेगा। यानी 500 रुपये का तेल जो है 4 व्हीलर वाले भरवा सकते हैं। राज्य में मालगाड़ियों की आवाजाही की कमी जो है, यहाँ पर मालगाड़ियाँ जो है उनकी आवाजाही में कमी आई है, जिससे पेट्रोल डीजल स्टोर में कमी आई है। ऐसे में सरकार ने पेट्रोल डीजल की खरीद बिक्री की लिमिट जो है वो तय कर दी है। दरअसल असम के अंदर जो है जीतंगा पर में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड एंड भूस्खलन की घटनाएं सामने आई थी, जिससे मालगाड़ियां त्रिपुरा नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को ट्रेन यात्री सेवा के लिए बहाल कर दी गई थी, लेकिन जीतंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात के समय अभी भी जो है उसके ऊपर रोक लगाई गई है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बहुत कम हो रही है। ऐसे में जो है पेट्रोल डीजल की सप्लाई बहुत कमज़ोर यहाँ पर हो गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव जो है उन्होंने कहा है कि सप्लाई कम होने की वजह से पेट्रोल डीजल की बिक्री पर जो है 1 मई से अगले आदेश तक कुछ पाबंदी जो लगाने का फैसला लिया गया है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो ग्राहकों को चूना लगाने वाले फर्जी रिव्यूज पर अब लगेगी लगाम, सरकार ने उठाया है ये कदम। ग्राहकों को चूना लगाने वाले फर्जी रिव्यूज पर जल्द जो है लगाम लगा सकती है। दरअसल सरकार ने फर्जी रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर परामर्श को लेकर ई कॉमर्स कंपनी और ऑनलाइन समीक्षाओं से जुड़े संगठनों की बैठक जो है बुलाई है। वही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के ये नोटिस जो एक नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है, नोटिस में कहा गया है कि मंत्रालय ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा जो है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2024 का एक मसौदा जारी किया है, जिसमें उत्पाद के सत्यापित खरीदारों और उपयोगकर्ताओं की से समीक्षा स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया है। नोटिस के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत ग्राहक और विक्रेताओं को जोड़ने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां और समीक्षा से जुड़े संगठन को निर्धारित जरूरतों के स्वयं अनुपालन की घोषणा करने को कहा गया है। वह इसमें कहा गया है कि संबंधित संगठन को जो है भारत मानक जो यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो जो है BIS उसके पास पंजीकरण कराने और नियमों का अनुपालन कराने की घोषणा की जरूरत है। इस संबंध में जो है QCO का मसौदा जो है उसको चर्चा के लिए जो है सचिव की अध्यक्षता में जो है बैठक की गई है। 15 मई को ये बैठक बुलाई गई है। वही गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के मसौदे में कहा गया है कि संगठन उन समीक्षाओं को प्रकाशित नहीं करेगा जो स्वयं या फिर आपूर्तिकर्ता, विक्रेता अथवा किसी तीसरे पक्ष से खरीदी गई या फिर लिखवाई गई है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हेल्थ इंश्योरेंस पर GST को लेकर बड़ी खबर देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस पर GST को घटाकर 12% कर सकती है सरकार, सीधा आम आदमी को मिलेगा फायदा। अगर आपने भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है यहाँ पर खरीद रखी है या फिर खरीदने वाले हैं तो आपके लिए जो अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार जो है 30,000 रुपये तक की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो है GST घटाने का विचार कर रही है।
दरअसल सरकार इससे मौजूदा जो है 18% से घटाकर 12% करने पर विचार कर रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका मकसद जो है हेल्थ इंश्योरेंस को और भी ज़्यादा जो है अफोर्डेबल और आकर्षक बनाना है। फिलहाल जो है 30,000 रुपये तक की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इसमें एक परिवार के 4 सदस्यों को 10,00,000 रुपये तक का कवर जो है वो पा सकते हैं। ये कवर जो है हालांकि अलग अलग फैक्टर जैसे उम्र टाइप और कवरेज पर निर्भर करता है। वही खबर के मुताबिक सरकारी अधिकारी का कहना है कि GST में कटौती की पहल से प्रीमियम रेट को कम करने और हेल्थ कवर ऑप्शन में अतिरिक्त फायदे ऑफर किए जा सकेंगे, यहाँ लोगों की जरूरत पर निर्भर यहाँ पर करेगा। वही अधिकारी का कहना है कि निलंबित जो यहाँ पर लंबित जो प्रस्ताव जो है जिस पर लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद फैसला लिया जा सकता है। इस साल फरवरी में जो है वित्त पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि इंश्योरेंस पर 18% GST पर विचार करने की जरूरत है, खासकर हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर ये जरूरत जो है वो महसूस की जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस को किफायती बनाने के मकसद से कमेटी ने कहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए खासतौर पर रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी और टर्म पॉलिसी पर GST को कम करने पर विचार किया जा सकता है। देश में GST लागू होने के समय तय किया गया था कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो उस पर 18% GST जो है चुकाना होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर आप नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना ऐसी खबरें आपको मिलती रहें।